सिंह आचार्य कितनी गंभीर हैं उस पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। तेजस्वी यादव जी को यात्रा करने दीजिए, पूरा घूमे, कोई रुकावट नहीं है, अब यात्रा करें, अंतो गत्वा मिलेगा लड्डू। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही 100% सही है। सफाई क्यों दे कहाँ दे रहे हैं, सफाई कहाँ दे रहे हैं, दो बार गए उनके साथ गलती हुई उन्होंने कहा। बिहार में यात्रा पर जाए सभी लोगों को छूट है, अंतर्गतवा मिलेगा तो लड्डू, ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाद न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन पहले जब जेपी नड्डा दो दिनों के लिए बिहार दौरे पर आए थे तो नीतीश कुमार को सबके सामने सफाई देने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि अब अदला बदली नहीं करूंगा, अब और पलटी नहीं मारूंगा, दो बार गलती कर दी, अब दोबारा नहीं करूंगा। इसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिरकार बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सारण से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी कटाक्ष किया नीतीश कुमार के ऊपर, कहा कि इनके बातों पर अब यकीन कौन करेगा। अब इसको लेकर ललन सिंह ने रोहिणी आचार्य के ऊपर पलटवार किया, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं ललन सिंह, पहले आप उन्हें सुनिए। लेकिन रोहिणी आचार्य के बात पर हर आदमी के बात पर प्रतिक्रिया दी जाती है, अब रोहिणी आचार्य कितनी गंभीर हैं उस पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही 100% सही है। सफाई क्यों दे कहाँ दे रहे हैं, सफाई कहाँ दे रहे हैं, दो बार गए उनके साथ गलती हुई उन्होंने कहा, तो गलती स्वीकार करना सफाई थोड़ी देना होता है। हाँ तो आधार कार्ड के एनरोलमेंट के लिए आप देश के नागरिक हैं कि नहीं ये बताइएगा ना, किसी को भी आधार कार्ड बना दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी को यात्रा करने दीजिए, पूरा घूमे, कोई रुकावट नहीं है, इस राज्य में किसी को कोई रुकावट नहीं है, सब यात्रा करें, अंतो गत्वा मिलेगा लड्डू। अपराध पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार। तो आपने सुना ललन सिंह का बयान, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो 10 सितंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं उसको लेकर भी ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को घेरा, साथ ही साथ ये भी बोला कि चाहे वो कोई भी यात्रा पर निकल जाए, अंतोगत्वा उनके हाथ में बस लड्डू ही लगना है। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष किया इसको लेकर भी ललन सिंह ने बोला कि रोहिणी आचार्य कितनी गंभीर है ये सभी जानता है। साफ शब्दों में कहे तो ललन सिंह ने रोहिणी आचार्य को एक आम आदमी की तरह बतलाया, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर भी ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद।